जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2007 में आई एक फ्रेंच स्लैशर फिल्म इनसाइड के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ की पेट में था। उसकी माँ उससे कहती है कि वो उसका बच्चा है और बहुत सालों बाद वो उसकी कोख में आया है और अब उसे कोई भी उससे अलग नहीं कर सकता। तभी उस बच्चे को जोर का झटका लगता है और हम देखते हैं कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। दोस्तों, ये एक्सीडेंट सारा नाम की औरत का हुआ होता है जो कि प्रेग्नेंट थी। इस एक्सीडेंट में सारा का पति मर जाता है लेकिन वो अभी जिंदा होती है और उसका बच्चा बिल्कुल सही सलामत था। फिर हमें 4 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां सारा हॉस्पिटल में आई थी अपना चेकअप कराने के लिए। सारा का डॉक्टर उसका चेकअप करता है और उसे बताता है कि उसका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है और कल सुबह उसे डिलीवरी के लिए यहां पे एडमिट होना होगा। वो उसे ये भी कहता है कि वो किसी को तैयार करे जो उसको यहां पर लेकर आ सके क्योंकि क्रिसमस होने के कारण एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। चेकअप के बाद सारा को लेने उसकी माँ उसके पास आती है। सारा उसे बताती है कि कल उसकी डिलीवरी है और डॉक्टर ने कहा है कि किसी को उसके साथ आना होगा यहाँ पे उसे लेके। सारा की माँ उससे कहती है कि क्यों ना आज रात वो उसके घर पे ही रुक जाए, लेकिन सारा उसे इनकार कर देती है। वो उससे कहती है कि वो अकेले अपने घर में ही रहना चाहती है और उसका एक एम्प्लॉयर है जीन जिससे वो मदद मांगेगी। सारा की माँ ये सुन के हैरान हो जाती है और उसे वहां से जाने देती है। कुछ देर बाद सारा एक पार्क में पहुंचती है जहां वो एक कपल को देखती है जो अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे। सारा उस फैमिली की फोटो लेती है क्योंकि उसे वो काफी पसंद आता है। तभी वहां पे उसका एम्प्लॉयर जीन आता है जिससे वो मदद मांगने वाली थी। सारा उसे बताती है कि कल उसकी डिलीवरी है तो वो चाहती है कि वो उसकी मदद करे, वो कल सुबह 6 बजे उसके घर में आ जाए ताकि वो उसे हॉस्पिटल ले जा सके। ये सुन के जीन उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है और सारा उसे अपनी घर की चाबी दे देती है। उसके बाद जीन सारा को उसके घर पे ड्रॉप कर देता है और वहां से चला जाता है। रात को सारा एक रूम में जाती है जहां उसकी और उसके पति की कई सारी फोटोज थी। वो उन फोटोज को देख के अपने पति को याद करती है और महसूस करती है कि वो उसके पास है। दोस्तों, सारा पूरी तरह डिप्रेस्ड थी और वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीना चाहती थी। कुछ देर बाद सारा जब बाहर जाती है तो चेयर पे बैठ के उसे नींद आ जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो ढेर सारी उल्टी करती है और जमीन पे गिर जाती है। उसके मुंह से उसका बच्चा बाहर निकलता है और तभी उसकी नींद खुल जाती है, यानी दोस्तों वो एक सपना देख रही थी। तभी सारा के घर की डोर बेल बजती है तो वो दरवाजे के पास जाती है। जब वो दरवाजे के बाहर देखती है तो वहां पे एक अनजान लेडी खड़ी होती है जो उससे कहती है कि उसकी कार पास ही में खराब हो गई है और उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है, तो वो उसके घर में आके उसका फोन इस्तेमाल करना चाहती है। ये सुन के सारा उससे कहती है कि वो इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि उसका पति अभी सो रहा है और वो नहीं चाहती कि वो जग जाए। वो लेडी ये भली भांति जानती थी कि सारा झूठ बोल रही है। वो सारा को कहती है कि वो झूठ ना बोले, उसका पति तो 4 महीने पहले ही मर चुका है। ये सुन के सारा को बहुत अजीब लगता है और वो उससे पूछती है कि वो इस बारे में कैसे जानती है। वो लेडी उससे कहती है कि वो बस दरवाजा खोले, वो उसे सब बता देगी। ये सुन के सारा उसे धमकी देती है कि वो पुलिस को कॉल करने जा रही है और ये सुनते ही वो लेडी वहां से गायब हो जाती है। सारा जब खिड़की के बाहर देखती है तो वो लेडी वहीं पे खड़ी होती है। ये देख के सारा को बहुत अजीब लगता है और वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। वो उनसे कहती है कि एक अनजान लेडी है जो उसके बारे में सब कुछ जानती है और वो उसके घर के अंदर दाखिल होना चाहती है। तभी वो लेडी खिड़की के बाहर से उसके सामने स्मोक करती है और सारा उसे देख के कहती है कि पुलिस यहाँ पे आती ही होगी, वो तुरंत यहाँ से भाग जाए। ये सुन के वो लेडी उसके खिड़की के कांच पे एक घूसा मारती है जिससे वो कांच क्रैक हो जाता है। तभी सारा अपने कैमरे से उस लेडी की फोटोज ले लेती है ताकि वो पुलिस को सबूत दे सके कि वो लेडी यहाँ पे मौजूद थी। कुछ देर बाद सारा अपने फोटोग्राफी रूम में जाती है और उस फोटो को निकालती है, लेकिन वो फोटो जरा भी क्लियर नहीं थी। जब वो उस फैमिली की फोटो निकालती है तो देखती है कि उस फोटो में वो लेडी भी है जो दूर खड़ी होके उसे घूर रही थी। ये देख के सारा समझ जाती है कि वो लेडी सुबह से ही उसका पीछा कर रही थी। कुछ देर बाद वहां पे पुलिस वाले आते हैं जो देखने आए थे कि सब ठीक है या नहीं। वो सारा से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो सारा उन्हें बताती है कि यहाँ पे एक स्ट्रेंज लेडी आई थी जो उसके घर में दाखिल होना चाहती थी और उसने उसकी एक फोटो भी खींची है। वो इंस्पेक्टर जब उस फोटो को देखते हैं तो उससे कहते हैं कि ये फोटो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है और इससे वो उस लेडी तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। एक इंस्पेक्टर बाहर पूरा जांच करता है लेकिन वहां पे उसे कोई भी नहीं मिलता। ये देख के वो सभी इंस्पेक्टर वहां से जाने लगते हैं और सारा से कहते हैं कि वो लोग उसे घर में ही लॉक कर रहे हैं ताकि कोई घर के अंदर दाखिल ना हो सके। वो उनसे ये भी कहते हैं कि रात को एक बार वो अपने इंस्पेक्टर्स को दोबारा यहाँ पे भेज देंगे ताकि उन्हें पता चल सके कि वो सही सलामत है या नहीं। ये सुन के सारा उनका शुक्रिया अदा करती है और वो इंस्पेक्टर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सारा सोफा पे बैठ के टीवी देख रही होती है और उसकी आंख लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी उसके घर के अंदर मौजूद है जो उसके पीछे खड़े होके उसे घूर रही है, लेकिन सारा इस बात से बिल्कुल अनजान है। तभी सारा उठ के जीन को कॉल करती है तो वो उसका कॉल नहीं उठाता। वो उसे एक वॉइस नोट भेजती है कि आज रात उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो हो सके तो वो जल्दी उसके पास आ
जाए ताकि वो जल्दी हॉस्पिटल के लिए निकल सके। उसके बाद सारा अपने बेडरूम में जाके सो जाती है। तभी वो लेडी उसके पास आके उसे सोते हुए घूरती है। उसके बाद वो एक कमरे में जाती है जहाँ बच्चों के कई सारे सामान पड़े थे। वो उन खिलौनों और सामान को अपने गले से लगा लेती है और बहुत रोती है। उसके बाद वो वॉशरूम में जाके एक कैंची उठाती है और उसको लेके वापस बेडरूम में आती है। वो सारा के पेट से कपड़ा हटाती है और उसकी नाभि में वो कैंची घुसा देती है। लेकिन तभी सारा की नींद खुल जाती है और वो उस लेडी को धक्का दे देती है। ये देख के वो लेडी कैंची से उसके मुंह पे वार करती है जिससे उसके होंठ कट जाते हैं। वो सारा के पेट में वो कैंची घुसाने वाली होती है लेकिन तभी सारा उसे लात मार देती है जिससे वो लेडी दूर जाके गिर जाती है। उसके बाद सारा भाग के अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लेती है और बहुत रोती है। वो ये सोचने लगती है कि आखिर ये लेडी कौन है और वो उसे जान से क्यों मारना चाहती है। इधर वो लेडी किचन में जाके अपने सर पे आइस लगाती है क्योंकि उसे काफी चोट लग गई थी। तभी वहाँ पे जीन आ जाता है जो सारा का वॉइस नोट सुन के वहाँ पर आ गया था। जब वो उस लेडी को वहाँ पे देखता है तो उसे लगता है कि शायद वो सारा की माँ है। उससे कहता है कि उसे उससे मिलके बहुत खुशी हुई और वो सारा को यहाँ पे लेने आया है ताकि वो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जा सके। वो लेडी उससे कहती है कि सारा अभी सो रही है और वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वो जीन को ड्रिंक ऑफर करती है और वो दोनों बैठ के ड्रिंक पीते हैं। वहीं पे जीन को उस लेडी की फोटो मिलती है जो सारा ने खींची थी। वो उस फोटो को देख के समझ जाता है कि सारा ने जल्दीबाजी में वो फोटो खींची है। वो उस लेडी से कहता है कि सारा एक परफेक्ट फोटोग्राफर है जो एक बढ़िया शॉट लेती है लेकिन ऐसी फोटो वो कभी नहीं खींचती। उससे पूछता है कि उसने उसकी ऐसी फोटो क्यों खींची है तो वो लेडी उसका कोई जवाब नहीं दे पाती। तभी अचानक वहां पे सारा की माँ आ जाती है जो उससे मिलने आई थी। वो वहां पे जीन और उस लेडी को देख के हैरान हो जाती है और उनसे पूछती है कि वो दोनों कौन है और उसकी बेटी कहाँ पर है। जीन ये सुन के हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि सारा की असली माँ ये है और वो सोचने लगता है कि आखिर ये अनजान लेडी कौन है। सारा की माँ अपनी बेटी के लिए परेशान हो जाती है और उसे देखने के लिए वो ऊपर जाती है। इधर सारा को कुछ नहीं पता होता कि नीचे क्या चल रहा है। जब वो किसी के ऊपर आने की आवाज सुनती है तो उसे लगता है कि शायद वो लेडी ऊपर आ रही है। वो अपने हाथ में एक औजार ले लेती है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। जब सारा की माँ वॉशरूम के बाहर आती है तो सारा उस पे हमला कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो लेडी वहां पर आई है। सारा की माँ के ढेर सारा खून निकलने लगता है और सारा ये देख के रोने लगती है क्योंकि उसने गलती से अपनी माँ को ही मार डाला था। जीन ये आवाज सुन के जब ऊपर आता है तो सारा उससे कहती है कि वो उसकी मदद करे। जीन जब उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो लेडी उसके पैर में कैंची घुसा देती है। उसके बाद वो लेडी उसके दिमाग में कैंची घुसा देती है जिससे जीन की मौत हो जाती है। सारा ये देख के काफी डर जाती है और वापस अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लेती है। तभी वो लेडी उसके वॉशरूम के बाहर आती है और उसके गेट पे अपनी कैंची घुसाती है। वो उससे कहती है कि वो दरवाजा खोले लेकिन सारा दरवाजा नहीं खोलती। उसके बाद वो लेडी उन सबकी लाश को नीचे ले जाके ठिकाने लगा देती है। इधर सारा जब देखती है कि वो लेडी नीचे है तो वो अपने रूम में जाके कुछ दवाइयां लेना चाहती है। तभी उस लेडी को उसकी आवाज आ जाती है तो वो तुरंत भाग के ऊपर जाती है। वो सारा को बाहर देख के उसे पकड़ने वाली होती है तो सारा तुरंत वॉशरूम में चली जाती है लेकिन वो लेडी उसके बाल पकड़ लेती है। तभी सारा अपने बालों से उसका हाथ छुड़ा के उसकी कलाई में एक लकड़ी घुसा देती है जिससे वो लेडी अपना हाथ बाहर निकाल लेती है और सारा गेट को लॉक कर देती है। वो लेडी भी काफी जख्मी हो गई थी और वो तुरंत सिगरेट पीने लगती है। सारा उससे पूछती है कि आखिर वो है कौन और वो क्या चाहती है। वो लेडी उसका कोई जवाब नहीं देती और उससे कहती है कि वो दरवाजे को खोल दे लेकिन सारा उस दरवाजे को नहीं खोलती। तभी उस लेडी के सामने सारा की बिल्ली आती है तो वो उस बिल्ली को जान से मार के फेंक देती है। उसके बाद वो वॉशरूम के दरवाजे में एक छेद करती है और सारा को देखती है। सारा उससे पूछती है कि आखिर उसकी क्या गलती है जो वो उसके पीछे पड़ी हुई है। तो वो लेडी उससे कहती है कि वो उससे बिल्कुल ना डरे, उसे बस उसका बच्चा चाहिए। ये सुन के सारा वॉशरूम का कांच तोड़ देती है और उस कांच को अपने हाथ में लेके कहती है कि वो उसे मार डालेगी। ये सुन के उस लेडी को बहुत गुस्सा आता है और तभी उसे बाहर कार की आवाज आती है। दोस्तों ये पुलिस की पेट्रोलिंग कार होती है जो वहां पे चेक करने आई थी कि सब ठीक है या नहीं। ये देख के वो लेडी सारा को बाहर से उस वॉशरूम में लॉक कर देती है और नीचे चली जाती है। दो इंस्पेक्टर सारा के दरवाजे पे आते हैं तो वो लेडी उन्हें रिसीव करती है। वो उसे सारा समझ के उससे पूछते हैं कि क्या अब यहाँ पे सब ठीक है, तो वो लेडी उनसे कहती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। ये सुन के वो इंस्पेक्टर वहां से जाने लगते हैं लेकिन उन्हें वहां पे कुछ गड़बड़ लगती है। इधर सारा अपने आप को छुड़ाने के लिए दरवाजे में छेद करती है और जैसे ही दरवाजे को खोलने वाली होती है वो लेडी वहां पे आ जाती है। वो सारा का हाथ पकड़ के उसके अंदर कैंची घुसा देती है जिससे सारा अपना हाथ नहीं हिला पाती। इधर बाहर उन इंस्पेक्टर को पता लगता है कि जिस लेडी को अभी उन्होंने देखा वो प्रेग्नेंट नहीं थी बल्कि उनके ऑफिसर्स ने कहा था कि वहां पे एक प्रेग्नेंट लेडी रहती है। ये देख के उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है तो वो उस घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वो उस लेडी से कहते हैं कि वो यहाँ पे बिल्कुल शांत खड़ी रहे और वो पूरे घर की तलाशी ले रहे हैं। एक इंस्पेक्टर जब ऊपर जाता है तो देखता है कि उस लेडी ने सारा के हाथ में कैंची घुसा रखी है। ये देख के वो हैरान हो जाता है और तुरंत सारा को छुड़ाता है। वो इंस्पेक्टर चिल्ला के अपने साथी
हीरो कहता है कि वो उस लेडी को गिरफ्तार कर ले। जब वो उसको गिरफ्तार करने जाता है तो वो लेडी एक लकड़ी उसकी आंख में घुसा देती है। उसके बाद वो उसे जान से मार डालती है और उसकी गन को ले लेती है। इधर जब वो इंस्पेक्टर सारा को वहां से छुड़ा के ले जा रहा होता है तो वो लेडी वहां आके उसको शूट कर देती है, जिससे उस इंस्पेक्टर की भी मौत हो जाती है। ये देख के सारा बहुत डर जाती है और वापस अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर देती है। इधर तीसरा इंस्पेक्टर जब गोली चलने की आवाज सुनता है तो वो सतर्क हो जाता है। उसके साथ में एक कैदी भी होता है जिसे लेके वो घर के अंदर जाता है। वो वहां पे अपने साथियों की लाश देखता है और अपनी गन निकाल के वो ऊपर जाता है, जहां पे वो सारा को देखता है जो कि जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। वो सारा से कहता है कि वो यहीं पे उसका इंतजार करे, वो एम्बुलेंस और बैकअप बुलाने के लिए जा रहा है। सारा उसे बताती है कि एक लेडी उसके पीछे पड़ी हुई है जो उसे जान से मारना चाहती है। ये सुन के वो इंस्पेक्टर पूरे घर की तलाशी करता है लेकिन वो लेडी उसे कहीं पे भी नहीं मिलती। वो सारा के पास वापस आके उससे कहता है कि वो लेडी यहां से अब जा चुकी है, तो वो बिल्कुल चिंता ना करे, वो उसे यहां से ले जाएगा। तभी वहां पे वो लेडी उस घर की लाइट ऑफ कर देती है जिससे सभी लोग डर जाते हैं। वो इंस्पेक्टर फ्लैशलाइट जला के सारा को बैंडेजेस लगाता है और उससे कहता है कि वो उसे यहां से जल्द ही बाहर निकालेगा। वो सारा को लेके उसके बेडरूम में जाता है और उससे कहता है कि वो यहां पे आराम करे। उसके बाद वो अपने कैदी को लेके घर का फ्यूज ठीक करने के लिए जाता है, जहां पे वो नोटिस करता है कि वो लेडी उनके आसपास ही मौजूद है। वो अपनी गन लेके उस लेडी को ढूंढने लगता है लेकिन तभी वो लेडी उसे शूट करके मार डालती है। वो कैदी ये देख के काफी डर जाता है और अपनी हथकड़ियां खोलने के लिए वो चाबी ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वो लेडी वहां पे आ जाती है और उस कैदी के सर में कैंची घुसा देती है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद वो लेडी सारा के पास जाती है और उसके ऊपर लेट के वो उसे किस करती है, लेकिन तभी सारा अपने दांतों से उसका मुंह काट खाती है जिससे वो लेडी जख्मी हो जाती है। सारा उसको धक्का देके वहां से भागने लगती है और वो लेडी उसका पीछा करती है। वो लेडी उसे बुरी तरह मारती है जिससे सारा जख्मी हो जाती है। वो सारा से कहती है कि वो उसे उसका बच्चा दे दे, तो सारा उसकी एक नहीं सुनती। वो लेडी उसके पास बैठ के स्मोक करने लगती है और तभी सारा के हाथ में एक स्प्रे लगता है, तो वो उस स्प्रे को उसके सिगरेट पे मारती है जिससे वो आग फैल जाती है और उस लेडी का मुंह जल जाता है। तभी सारा एक हथियार तैयार करती है और उस लेडी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। जब वो उसे मारने जाती है तो वो लेडी उससे कहती है कि वो उसे मार डाले, क्योंकि एक बार तो वो उसे पहले ही मार चुकी है। ये सुन के सारा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि वो किस बारे में बात कर रही है। वो लेडी उसे बताती है कि 4 महीने पहले जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो दूसरी कार में वो मौजूद थी और उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और बहुत खुश थी। उसने कई सालों से प्रयास किया था लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, लेकिन बहुत देर से भगवान ने उसकी कोख में एक बच्चा दिया था, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया और उसकी जिम्मेदार सिर्फ वो ही थी, इसीलिए वो उसका बच्चा चाहती है। सारा ये सुनके उससे कहती है कि पुलिस ने उन्हें बताया था कि वहां पे कोई भी जिंदा नहीं बचा है। तभी एक इंस्पेक्टर को वहां पे होश आता है जो वहां की लाइट चला देता है। सारा ये देख के उस इंस्पेक्टर के पास जाके उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो वो इंस्पेक्टर उस पे हमला कर देता है क्योंकि वो पूरी तरह अपना आपा खो चुका था। तभी वो लेडी उठती है और उस इंस्पेक्टर पे हमला करके उसे मार डालती है। सारा पूरी तरह जख्मी हो चुकी थी और उसमें जान नहीं बची थी। वो लेडी अपनी कैंची उठा के सारा के पास जाती है। वो सारा का पेट फाड़ के उसका बच्चा बाहर निकाल लेती है और सारा को जान से मार डालती है। उसके बच्चे को लेके वो एक कमरे में जाती है और उसे गोदी में लेके कहती है कि अब उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता, वो सिर्फ उसका बच्चा है और किसी का नहीं। दोस्तों पता नहीं वो बच्चा जिंदा होता भी है या नहीं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहां एक एक्सीडेंट की वजह से सारा ने अपना पति खो दिया था, जिसकी वजह से वो काफी अकेली हो गई थी, लेकिन उसी एक्सीडेंट में उस लेडी ने अपना बच्चा खो दिया था जो भगवान ने उसे बहुत दिनों बाद दिया था। उसकी सारी खुशियां उस एक्सीडेंट से छिन गई थी, इसीलिए उसने सारा से बदला लेने का प्लान बनाया। जब सारा की डिलीवरी होने वाली थी तो उसी रात उसने सारा पे हमला कर दिया ताकि वो उसके बच्चे को उससे छीन सके, जिस तरह उसने उसके बच्चे को छीना था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।